आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था कल, क्योंकि मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। झटका एक नहीं, झटका एक और भी लगा है, क्योंकि मनोज राठी ने अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। और फिलहाल राठी साहब हमारे पास में मौजूद है, और राठी साहब का कोई छोटा पद नहीं था, ये प्रदेश प्रवक्ता भी थे और किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। और उसके साथ साथ में एक व्यक्ति और है हमारे साथ में, इनसे भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। नाम है सुभाष भारती, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं एवं ये ब्लॉक प्रधान थे हांसी के। इसके साथ में एक व्यक्ति और भी है, रामनिवास जांगड़ा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस व्यक्ति ने भी कांग्रेस जो है ये ज्वाइन कर ली है, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल के ये रहे हैं और पूर्व केंद्रीय जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये कहने का मतलब ये है बहुत बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा है और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस में आस्था जता दी है। अब तब ये ठीक है, कल हालात जो है वो आपके ख़राब थे, आंखों से आंसू चल रहे थे, यानी कि दुख था अपने घर को छोड़ने का, परिवार को छोड़ने का, उस पार्टी को छोड़ने का। बिल्कुल दुख था, और आज नए घर में आ गए तो खुशी। लोग कह रहे हैं बेटा कुछ जल्दी नहीं कर दिया अपने, पहले उसको छोड़ दिया फिर इस घर में आ गए, जल्दी क्यों होती? तो चार दिन तो लेने चाहिए थे, हफ्ता लेना चाहिए था, सोचने का टाइम लेना चाहिए था, इतनी जल्दी कर दी कांग्रेस में जाने की? किस लिए, जब नेता हमारे लिए अच्छे हैं और हमने पता है भाई कुमारी जी शैलजा जी जो हैं बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत मेहनत करने लगे, पहले डैम की कमी थी और उनमें अपनी आस्था है और तुरंत हमने ज्वाइन करने का फैसला कर ज्वाइन कर लिया। वो तो ठीक है, लेकिन पहले वालों में क्या कमी थी जो पहले के नेता थे? कोई कमी नहीं थी, ना कुछ तो होगा जब पार्टी छोड़ी आपने। केजरीवाल जी से मान नेता नहीं है, बहुत मान नेता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि देखो पार्टी तो बड़ी दुख से छोड़ी है, क्योंकि कुछ निचे के लोग जो हों सिस्टम खराब कर रहे थे और उन लोगों ने पार्टी उठाने की बजाय पार्टी को नीचे लिया है। जैसे पंजाब चुनाव हुआ तो पार्टी में बड़ी ग्रोथ आई थी, बहुत ऊपर जाने लग रही थी पार्टी, लेकिन कुछ नेताओं के कारण वो धीरे 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 बिल्कुल धरातल पर आ गई और अब तो मैं मान लूँ कि जमा जीरो हो जाएगी। तो आप तंग किससे थे, सुशील गुप्ता जी से तंग थे या फिर अनुराग ढांडा जी से तंग थे? ये देखिए दो ही लीडर हैं आपकी पार्टी में हरियाणा के अंदर, तो बाकी तो क्या है? देखो ऐसे है, तंग हम किसी तरह नहीं थे और तंग थे हम काम से। भाई पार्टी के अंदर काम ठीक प्रकार से नहीं होने लग रहा था, पार्टी तरीके से काम नहीं करने लग रही थी, और कोई भी पार्टी तरीके से काम नहीं करेगी वो पार्टी डाउन हो जाएगी चाहे कोई भी हो, और इसी कारण हमारा मन दुखी था। हम देखा करते रोज और हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमने कोशिश भी करी बताने की भी पार्टी के अंदर ये नुकसान होने लग रहा है, उन्होंने सुनी नहीं तो फिर इलाज किए आप छोड़ के अब इधर आ गए। तो ये गलती जो है ये सीधी सीधी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की होती है, उसकी जिम्मेवारी है अपने संगठन को बचाना। सुशील गुप्ता जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने संगठन को नहीं बचा पाए, ये सारी की सारी जिम्मेवारी उनकी थी। हाँ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है, कल मैं किसी पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, हमारा को कार्यकर्ता छोड़ के जावा है तो कमियाँ तो साफ दिखाए। तो फिर केजरीवाल जी जवाब लेंगे उनसे? 100% लेंगे, 100% लेंगे। केजरीवाल बहुत सुलझे हुए नेता हैं और वो तो कहते हैं कि नेता चला जाए 10 कार्यकर्ता एक भी ना जाए, और हम तो कार्यकर्ता थे और पार्टी के भगत भी थे केजरीवाल जी के भगत। एक सवाल और भी है, अब एक तो प्रदेश अध्यक्ष चल रहा है आपका सुशील गुप्ता जी के अंडर के अंदर आम आदमी पार्टी का, एक चला नवीन जैन के टाइम के ऊपर, कौन सा कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा? नवीन जैन का कार्यकाल बढ़िया था, बढ़िया। देखो उसने बहुत मेहनत करके पार्टी को सींचा था, पार्टी को खड़ी कराया था और बहुत मेहनती भी था वो, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात को नहीं। दबंग नेता रहा हमेशा, देश बिना कि उस पर मुकदमे लागे हमारे सामने हमने देखा करते, हर प्रोटेस्ट में आगे रहा करता, तो वो समय बहुत बढ़िया था और उस समय पार्टी काफ़ी ग्रोथ भी कर रही थी, हम भी काम करा थे उस समय। देखो उनका प्रभाव, उनका काम करने का तरीका वो सब अलग था, इनका अलग है, तो यहाँ अब डाउन हुई है, इसमें कोई दो राय। गहरा झटका लगा? बिल्कुल 100% गहरा झटका लगा। तो पार्टी फिर मान लेगी सुशील गुप्ता जी की वजह से आपने छोड़ी है? नहीं, ऐसा कोई पर्सनल नेता कोई वजह नहीं होता। आपने बताऊं सुशील गुप्ता जी से हमारी कोई पर्सनल बात नहीं, सुशील गुप्ता जी अपना काम करें, हम अपना तो काम। मेरे को पता आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलायंस के अंदर इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और कल को अगर आपने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुप्ता जी के चुनाव में भी जाऊँगा, पूरी मदद करूँगा गुप्ता जी की, जोर लगाऊंगा वहाँ, हमारा फर्ज बनता है ना, दोनों पार्टियाँ अलायंस में है। पहले मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठ के मदद करें करता, अब मैं कांग्रेस की साइड से बैठ के मदद करूँगा, और अलायंस का आज कोई वहाँ नेता है तो सुशील कुमार गुप्ता। तो आपका बड़प्पन है राठी साहब? नहीं देखो, हमारा सेवा करना हमारा धर्म है और पार्टी के नियम और नीतियों से। कांग्रेस में क्यों आए? पार्टी तो और बहुत सारी थी जिसके अंदर आप जा सकते थे। बताया ना आपको, पार्टी की इतनी बड़ी नेता है और सीएम है, 2024 की सीएम है बहन कुमारी शैलजा, और मेरे घर के पास में है, तो मैं कहाँ जाऊँगा आप बताओ, मेरे तो घर के पड़ोस में हो गए।
तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना। तो ये पड़ोस तो आपको पहले भी देख लेना चाहिए था, जब भी आपके पड़ोस में ही था, जब कोई अलग थोड़ी था। आप इतनी दूर दिल्ली का पड़ोस दिख गया, पड़ोस का पड़ोस कौन दिख गया? तो अब की बार देख लिया, अब 24 में देखियो आप, यही सीएम की कुर्सी यही होगी सार के अंदर। कोई नीचे नीचे कोई वादा करके तो नहीं आए हो कि जी टिकट मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो कोई और पार्टी देखूंगा? देखो मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और साधारण कार्यकर्ता कोई कंडीशन शर्तों पे नहीं होते। कार्यकर्ताओं का काम क्या है? सेवा करना, नेताओं की सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे। जो नेता चाहेगा वैसे कर लेगा। आपका पुराने वाला रोल अब दिखना बंद हो गया है, वही रोल के अंदर दोबारा आओगे या फिर अब इसी तरीके से चलोगे जैसे पार्टी ने आपके ऊपर बंदिशें लगाई थी, क्या कांग्रेस के अंदर भी इसी प्रकार चलोगे? देखो न किसी पहले पार्टी ने बंदिश लगाई, न कोई आगे लगा हुआ है। सही को सही करांगे, जिसको न्याय नहीं मिलेगा न्याय दिलवाएंगे। जो भ्रष्ट सरकार है, तानाशाही सरकार है, उसके विरोध में लड़ते रहेंगे। लड़ना हमारा काम है, हम जंगी घोड़े हैं, और जंगी घोड़े 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते। इस पार्टी के अंदर गुट बन रहे हैं, उड्डा साहब के गुट में क्यों नहीं गए? मन तो लगे नहीं कोई गुटबाजी कोई, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो हर आदमी में कंपटीशन तो है, ये बाप बरमेर में कंपटीशन होगा, सुभाष भारती बरमेर में कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन करना अच्छी बात है, कंपटीशन करना जब भी पार्टी आगे बढ़ेगी। बिना पानी पिए ही बेरंग चढ़ गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, रंग की बात नहीं है दीपे से, ये तो कंपटीशन का जमाना है, इसको किसी एंगल से देख लो, किसी एंगल से। बहुत धन्यवाद, ये थे मनोज राठी, आम आदमी पार्टी को अलविदा कह के और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बाकी आप इस पूरी खबर को किस प्रकार देखते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। और दूसरी बात एक और भी है कि नवीन जैन के कार्यकाल को बढ़िया बताया है, सुशील गुप्ता जी के कार्यकाल को ठप्प बता दिया है कि इनकी वजह से इनडायरेक्टली कि मैं पार्टी छोड़ के आ चुका हूँ, और आगे जो है वो हालात कैसे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये खबर यहीं तक, आप देखते रहे चार 20 मीडिया आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।